वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक सिख नौजवान सरदार अर्श दीप सिंह जो भारत वालों क्रिकेट मैच खेड रहा सी, बड़ी तनदेही दे नाल बड़ा मन ला के दिखन सबबी उस पास कैच छुटिया। खेड के मैदान के जिता हारा होंदियां रहनगियां, लेकिन ज्यों ही उसने हथों कैच छुटिया तो भारत के अंदर कुछ घटिया मानसिकता वाले लोगों नू उसनू बहुत ही भद्दे ढंग के नाल रोल किया जान लग्या और टोल किया जा रहा। मैं समझदा है कि यह बहुत ही मंदभागी गल है, भारत सरकार नू अजिहे गंदी मानसिकता वाले लोगों के उत्ते जिहड़ा है उस कंजा कसना चाहिए। सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़े गंदगी जिहड़ी है वह फैला रहे हैं, उस प्रति गंदे लफज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने नत्त पाउण की बहुत वड्डी जरूरत है। भारत सरकार उन्हां ते नत्त पावे, क्योंकि इहो जी गंदी मानसिकता वाले लोगों ने हमेशा ही कौम और देश का नुकसान किया और नुकसान करते हैं। दूसरा, मैं काका अर्शदीप सिंह नूं कहना चाहूँगा कि बेटा मन ला के खेडो, पूरी तनदेही दे नाल खेडो, अकाल पुरख ते भरोसा रख के खेडो। कौम तुहाडे नाल है, वाहिगुरु तुहाडे अंग संग है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडे अंग संग है। वाहिगुरु आने वाले समय के तुहानू कामयाबी जरूर बख्शूगा। हिम्मत सिख कदे नहीं हारदा, हौसला सिख कदे नहीं छड़दा। ना हिम्मत हारनी है ना हौसला छड्डना, पूरी तनदेही दे नाल फोकस करके खेडना। वाहिगुरु फतेह जिहड़ी है वह जरूर बख्शेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।